नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सेल्स क्लासेस में। आज हम एसेट 2020 में से कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एसेट जो एग्जामिनेशन है, मतलब एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज के द्वारा कंडक्टेड होता है और ये उन लोगों के लिए है जो कि एक्चुअरियल साइंस में अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं। हमने पहले भी ऐसे 2020 से बहुत सारे सम्स किए हैं, ये वीडियो उन्हीं वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज का पहला सम हमारे पास क्या आता है। तो ये है हमारा पहला सम आज के लिए। तो यहाँ पर हमें दो वेक्टर दिया गया है और हमें इन दोनों वेक्टर में जो कोसाइन है वो निकालना है। तो कोसाइन ऑफ द एंगल जो है वो हमें निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले हम इन दो वेक्टर को कुछ नेमिंग दे देते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू, मतलब इसको ए वेक्टर नाम दे दिया एंड इसको बी वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, सॉरी कोसाइन ऑफ एंगल जो होता है वो है कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला कोसाइन ऑफ एंगल का, मतलब कॉस थीटा जो है, अगर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा, इफ थीटा बी डी एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कॉस थीटा जो है उसका फॉर्मूला ये होगा। तो पहले हम ए डॉट बी ये निकाल लेते हैं। ए डॉट बी मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी जो होगा वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा 3 माइनस 1 प्लस 4, मतलब 7 माइनस 1 दैट इज 6। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ ए इसका वैल्यू आएगा रूट ओवर 9 प्लस 1 प्लस 16। जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है तो हमें उस वेक्टर का जो कोएफिशिएंट्स है उन कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके सम करना पड़ेगा एंड उसका जो रूट ओवर मतलब उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ही है मॉड्यूलस ऑफ ए। एंड मॉड्यूलस ऑफ बी जो है उसका वैल्यू भी सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज यहाँ पर रूट 3 आता है एंड यहाँ पर आएगा रूट ओवर 26। ठीक है, तो अब कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इसका जो वैल्यू होगा वो है 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 26 मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 78 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 78। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 78 ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 26 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3। तो यहाँ पर 3 बाई रूट 3 जो है वो रूट 3 आएगा एंड
यहाँ पर रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू एंड यहाँ पर रूट थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई रूट टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा रूट टू। ठीक है, चलिए बाकी का सोल्यूशन नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थर्टीन, तो जो वैल्यू आएगा वो है रूट ओवर सिक्स बाई थर्टीन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डी में डी ऑप्शन में रूट ओवर सिक्स बाई थर्टीन है, तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमारे पास टू गिवन वेक्टर्स है, जिन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और हमें कोसाइन ऑफ दैट एंगल निकालना है। एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। अब ए डॉट बी का मॉड्यूलस जो है वो हम निकाल सकते हैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, उनके बीच में सम करके हम निकाल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी, जो कि मतलब सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। और मॉड्यूलस ऑफ ए जो है वो हम निकाल सकते हैं अगर कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करेंगे एंड उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ ए निकलेगा। एंड सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ बी को भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए है रूट ओवर 26 एंड मॉड्यूलस ऑफ बी है रूट ओवर 3। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो है 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 26 एंड रूट ओवर 3। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट ओवर 6 डिवाइडेड बाई 13। तो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी सम की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरे सम में हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है जो कि 2x2 मैट्रिक्स है, और हमें निकालना है कि ए बी प्लस बी ए प्लस आई इसका वैल्यू क्या है। इन चार ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का वैल्यू है 2-1, 4, 3 एंड जो बी मैट्रिक्स है उसमें है 1-0, 2-1। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी प्लस बी ए प्लस आई। ठीक है, ए बी प्लस बी ए प्लस आई। तो यहाँ पर हमें जो इस्तेमाल करना है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना है। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह आएगा, तो पहले 2-1, 2 एंड -2 दैट इज़ 0। यहाँ पर 2-0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4+6 दैट इज़ 10 एंड यहाँ पर 0+3 दैट इज़ 3। तो ए बी जो है वो 0-1, 10, 3 ये मैट्रिक्स आ रहा है। एंड बी ए जो है वो आएगा 1-0, 2-1, यहाँ पर आएगा 2-1, 4, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 4+4, 8 आएगा, यहाँ पर -2+3, 1 आएगा। तो ए बी मैट्रिक्स में 0-1, 10, 3 आ रहा है, बी ए मैट्रिक्स में 2-1, 8 एंड 1 आ रहा है, एंड आई टू जो है वो है 1-0, 0-1 दैट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर सम करना है तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0+2+1 दैट इज़ 3, यहाँ पर हमें मिलेगा -1-1
प्लस जीरो इज माइनस टू, यहाँ पर 18 एंड यहाँ पर मिलेगा 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 5। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी, दैट इज 3 माइनस 2 18 एंड 5। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पर आंसर मैं लिख देता हूँ कि बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आ रहा है 3 माइनस टू 18 एंड 5। तो ठीक है, आज हम दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो में जहाँ पर हम एसेट 2020 की कुछ सम्स फिर से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।